गोली बस रिलैक्स इनफ ओके। अरे दीदी तू बता ही नहीं कैसा चल रहा है सब। दीदी आजकल बहुत कम मिलना तो ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी ये कौन है? ओ गॉड इतने सारे क्वेश्चंस एक बार में, रुक जाओ। ये है प्रिया एंड प्रिया, ये है गोली, ये है जोकर, ये है फटका, ये है कटिंग और ये है मुनिया। हाय हाय हाय। दीदी पैकेट में क्या है? दीदी पैकेट में कौन सा पैकेट? पता नहीं दीदी क्या है। ओके मैं बता रही हूँ, इस पैकेट में आप सब लोगों के फेवरेट बर्गर्स हैं। और लंच में कौन कौन बर्गर खाएगा? अच्छा ठीक है फाइन, मुनिया जरा प्लेट्स लेकर आओ। चलो सब हम नीचे बैठ के खाते हैं, आजा बैठो सब लोग। ये लो सारी दो। प्रिया ये आपके, खा लो। दीदी हाफ कर दो ना, मैं इतना बड़ा कैसे खाऊंगा? ओ हाँ अच्छा ओके। मुनिया एक नाइफ ले आओ जाके प्लीज। ये लो अभी खाया जाएगा। प्रिया मैं आपका भी बर्गर काट दूं? प्रिया लग जाएगा, बहुत शार्प है। दीदी मैं देखता हूँ। मुनिया रुक जा, वो इस वक्त दुखी है, थोड़ा वक्त लेगी। आई थिंक थोड़े दिन बच्चों के साथ रहेगी ना तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। हम सबको मिलकर इसकी खोई हुई मुस्कान वापस लानी होगी। मुझसे इसकी मायूसी देखी नहीं जाती मुनिया। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तुम सब खाओ। दीदी अच्छा हो तुम आ गई। क्या हुआ? अच्छा था और खाना? कल चिल्ड्रंस डे का फंक्शन है, तुझे इस पे साइन करना है ताकि हम भी हिस्सा ले सके। ओके मैं कर देती हूँ। यस चिल्ड्रंस डे मतलब कल तो सेक्सी का बर्थडे। ओ माय गॉड मैं भूल कैसे गई। दिस अ फैबुलस फ्रेंच रेस्टोरेंट क्लोज बाय, इज इट? हां वहां चल के लंच करते हैं। यस श्योर। उसके बाद मैं तुम्हें घर भी छोड़वा दूंगी। ओके सासू मैम वन सेकंड प्लीज। मैं ये मिस्टर मेहता की डील की फाइल पढ़ रहा था। सासू मैम आपने अब तक ये मेहताज वाली डील की पेपर साइन नहीं किया ना, फंस जाएंगे आप, बहुत गड़बड़ डील है। रियली? जहां तक मुझे याद है गड़बड़ तो तुमने की थी मिस्टर मेहता के साथ। मंडप में धोखे से बैठ गए थे कृष की जगह पर और रोशनी से शादी कर ली थी तुमने। यार सासू मॉम हद है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बादाम खाना चाहिए, उससे याददाश्त अच्छी रहती है। उम्र के साथ आपकी याददाश्त भी ढल रही है। आप भूल गई कि रोशनी के साथ शादी तो मेरी ही होनी थी, आपका जमाई भी मुझे ही बनना था। वो तो बीच में क्रिश भाई साहब बाजी मारने के लिए आ गए, वो भी आपके साथ मिलकर। छोड़िए ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? ऐसा करेंगी तो ये गड़े मुर्दे सपनों में आप ही को डराएंगे। खैर मुद्दे की बात सुनिए, इस डील में पैसे डालेंगी तो फंस जाएंगी आप। जस्ट गेट लॉस्ट। अपनी बिजनेस डील्स के लिए तुमसे राय नहीं चाहिए मुझे। ओके वही तो सासू मॉम, राय मांगनी चाहिए आपको। मैं कौन सा पैसे चार्ज कर रहा हूं आपसे मिस्टर मेहता की तरह,
वैसे भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये डील गड़बड़ है, इसमें पैसे डालेंगी तो होना मोना कुछ नहीं। शट अप ओके। सिद्धार्थ मुझे इतनी लैंग्वेजेस आती हैं। अब गेट लॉस्ट को तुम्हारी चौल में दफा होना कहते होंगे तो सो बी इट, पर निकलो यहां से तुम। एक तो आजवी प्लीज हेल्प मी आउट, जस्ट ग्रूम हिम, किसी लाइक तो बनाओ तुम इसे। वाह, एक तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से खड़ूस मुझे ये बिजनेस सिखा रही है। सही दिन आ गए सिद्धार्थ खुराना। कुछ कहा तुमने? है भाई, नहीं भाई कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम मुझे कुछ सुधरने की टिप्स क्यों नहीं देते ताकि मैं अपनी सास की नजर में उठ जाऊं। देख लिया इसका एटीट्यूड, गरीबी में ये जलवे हैं, अमीर हो गया तो जमीन पे कम हवा में ज्यादा उड़ेगा। मामी जी हम लंच के लिए तो जा ही रहे हैं, क्यों ना सिट को साथ लेकर चले। नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल। देखो बेटा तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी हैं, पर सामने वाले की इंटेंशंस देखकर ही इनके साथ डील करना पड़ता है ना। और इसको अंदर घुसने कौन देगा? एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई डू नॉट वांट टू गेट एम्बैरेस्ड। प्लीज हम चलते हैं। हे भगवान, यही तेरी जिंदगी की कहानी है सेठ, भला करने जाएगा ना तो बत्ती लगेगी। अब कैसे समझाऊं अपनी खड़ूस सास को, इस डील में फंसेंगी ना तो बुरी तरह फंस जाएंगी, इनकम टैक्स वालों को जवाब नहीं दे पाएंगे। आए रोशनी। सिद्धार्थ लिसन, कल ना सेक्सी का बर्थडे है, हमें कुछ प्लान करना चाहिए ना। क्या बात कर रही हो, कल नानी माँ का बर्थडे है? सेठ फाइल। ओ वैसे कल किसका बर्थडे है? नानी माँ का। ओके सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं सेक्सी का बर्थडे भूल गई, मेरे लिए कितना कुछ करती है सिद्धार्थ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन बीवी जी, हैव नो फियर व्हेन योर पति देव इज हियर। मैंने ऑलरेडी एक फुल पावर भोकाल टेरिफिक प्लान सोच रखा है उनके बर्थडे के लिए। लोनावला चलते हैं। लोनावला वहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तुम्हें क्या लगा बड़ी बड़ी पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो ये कर सकते हैं? अरे बॉस हम है, बाकी सब पानी कम है। सिद्धार्थ हमारे बजट में आएगा क्या? क्यों नहीं होगा, हमारे बजट में ही होगा रोशनी। और सबसे बड़ी बात, नानी माँ लव्स लोनावला, वो चिक्की की बातें करती रहती हैं, वो चॉकलेट फजेस की बातें करती रहती हैं, शी लव्स द बुशी डैम यार, सब कुछ तो उन्हें पसंद है लोनावला के बारे में। एक काम करेंगे, छोटी सी बस में पूरा परिवार जाएगा, वहां एक औसम सा ढाबा भी है, कम माल का पंजाबी खाना मिलता है वहां पे, पास में ही बुशी डैम है, फुल पावर मजे करेंगे और वापस आ जाएंगे। चलिए सिद्धार्थ प्लान तो फैंटास्टिक है, आई एम वेरी। और हम एक काम करेंगे, हम ना मम्मी पापा को भी लेके चलेंगे, दोनों फैमिली साथ होंगी, सेक्सी भी एंजॉय कर पाएंगे ना। सब कुछ ठीक है, एक प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? वही हमेशा वाली प्रॉब्लम, तुम्हारी मॉम हमारी सासू मॉम डीडी, मुझे लगता नहीं है कि सासू मॉम लोनावला में किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाने वालों में से हैं। सिद्धार्थ हमारे लिए सेक्सी की खुशी इंपॉर्टेंट है, डीडी को आना होगा आएंगी, नहीं आना होगा नहीं आएंगी। ऐसे कैसे आना होगा आएंगी, नहीं आना होगा नहीं आएंगी, पूरा परिवार जा रहा है, उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें क्या उनके बाप को भी आना पड़ेगा। सिद्धार्थ अरे वैसे तो सारा टाइम अपनी मॉम से झगड़ती रहती हो, मैंने हल्का सा बोल क्या दिया तुम तो मारने पीटने पे आ गए। मजाक कर रहा हूँ, मेरा मतलब था कि तुम्हारी मॉम जरूर आएंगे, कल सुबह नानी माँ को विश करेंगे और सारा प्लान उन्हें वही बता देंगे। Awesome. Actually, हमने जो सोचा ना, मुझे नहीं लगता किसी और ने सोचा भी होगा। हेलो, हमने मतलब ये प्लान मैंने बनाया है, और क्योंकि ये प्लान मैंने बनाया है तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। कार चली मेरी अर्धांगिनी, हाँ क्या बोलती तू,
अति चलो नागला। मैंने और सिद्धार्थ ने मिलके ना आपके लिए बहुत अच्छा Anima, wish you a very, very happy birthday. Thank you. अरे कोई जरूरत नहीं। ये म्यूजिक कहाँ से बज रहा है? Let me show you. Okay, come on. Oh my God! बहुत अच्छा है। Simply awesome. कितना सुंदर डेकोरेट किया है। नानी माँ, मैं जानता हूं किसी ने भी आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया है, इसलिए मैंने और समायरा ने मिलकर ये छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई। बहुत अच्छा, थैंक्स। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑफ कोर्स बेटा, वैसे भी किसी और से मैं ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपना मुंह बंद रख वरना पूल की मछली तेरे मुंह में घुस जाएगी, समझी? और प्लीज इस बार पूल में मत करना, ओके? वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी रेशम, यू नो। वेरी गुड ना यार। ये तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। वैसे ऐसा सरप्राइज ना मैंने कभी नहीं देखा है। बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी। रोशनी, रोशनी। लोग आए सच में। नानी, सर। रोशनी, रोशनी क्या कर रही है? इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। तू ही? क्या जरूरत है नानी माँ को सब कुछ बताने की?
जरा देखो नानी माँ को, इतनी खुश है वो, शी सो हैप्पी, एंजॉय कर रही है। हमें और क्या चाहिए रोशनी? अरे बाबा, कोई कंपटीशन थोड़ी है। तुम नानी माँ से हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं कहोगी? यहाँ देखो, यही तो सपना देखा था मैंने। आज का ये दिन बहुत 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 स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा ये परिवार एक डिसफंक्शनल फैमिली से एक हैप्पी फैमिली बनने की ओर अपना कदम बढ़ा चुका है। बहुत खुश हूँ मैं। आज सही मायने में सबके सामने राजवीर की चाहे जीत हुई हो, लेकिन असल में जीत मेरी हुई है। ये मेरा थर्ड कार्ड। दीदी के आशीर्वाद से। आपके कार्ड्स देखकर केसर जी, मैं आपको एक बात बता सकती हूँ। आपके यहाँ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। मतलब पैसे तो आते हैं, लेकिन बूंद बूंद करके। या। लेकिन बहुत जल्द तेजी से पैसे आएंगे। वाह। इट्स पॉसिबल। मगर एक बात ध्यान रहे, जब पैसे तेजी से आते हैं तो उन्हें ध्यान से संभाल कर संचित करना पड़ता है, वरना वो दुगनी तेजी से चले जाते हैं। संचित क्या है? बाद में बताऊंगा। और रोशन जी, रेशम, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। हाँ। जो बातचीत में कम होगा लेकिन आपकी लाइफ के मायने बदल देगा। दिखने में कैसा होगा मेरा हीरो? देख मेरा चेहरा, देख मेरे जैसा होगा रेशम। तुम्हारे जैसा? दूसरा नहीं चाहिए मैडम, कुछ और बोलो। आप कुछ ले रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाय, आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? दुर्गा बेटा, माँ के लिए इतना अच्छा तोहफा। बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। थैंक यू सो मच। वैसे इस तारीफ का असली हकदार तो मेरा जमाई राजवीर ही है। मैं आपको मिलवाती हूँ, एक मिनट। राजवीर, समायरा, एक मिनट इधर आओ ना। यस, एक्सक्यूज मी। ये है समायरा, मेरी भांजी। हेलो। और इनका हस्बैंड राजवीर। जो कुछ भी आज है इधर, वो सिर्फ इसी की वजह से है। सारी प्रिपरेशन इसी ने की है। शाबाश बेटा, खुश रहो। तुम दोनों बहुत सुंदर। वो तो है, they really make a good looking couple. मैं बहुत लकी हूँ आंटी, राज इतने अच्छे हैं। पूरी फैमिली को कैसे खुश रखना है वो अच्छे से जानते हैं। I completely agree. You know what? इस पार्टी में ना कोई है जो मुझे पसंद आ गया, दिल आ गया मेरा उसमें।
अच्छा, किसी पे तुम्हारा दिल आ गया? कौन है वो उल्लू का पट्टा बताओ तो सही, बैंड बजाता हूँ उसको। ओ पुद्धू, क्या है ना, वो ऑलरेडी बैंड बाजे के साथ मुझसे शादी कर चुका है। ओ तुम दुखी हो ना कि तुम्हारा प्लान मटेरियलाइज नहीं हुआ?